स्वतंत्रता दिवस से पहले आजमगढ़ से आईएसआई ने आतंकी सबाउद्दीन आजमी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि सबाउद्दीन की तिरंगा यात्रा पर हमला करने की साजिश थी। वही इंट्रोगेशन के दौरान सबाउद्दीन ने कई राज खोले हैं। सबाउद्दीन भले गिरफ्त में है लेकिन उससे जुड़े लड़के अभी भी बाहर है। ऐसे में यूपी एटीएस चौकन्नी है। वही एटीएस को शंका है कि सबाउद्दीन इकलौता नहीं था, उसकी तरह ही स्लीपर सेल्स में और लड़के होंगे जो एक्टिव होने पर खतरा बन सकते हैं। इसलिए एटीएस आजमगढ़ से लेकर कश्मीर तक सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस मुख्यालय ने यूपी में तिरंगा यात्रा के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा बढ़ाने के डायरेक्शन दिए हैं। आपको बता दें कि आतंकियों के निशाने पर तिरंगा यात्रा के साथ लखनऊ, आगरा, वाराणसी और मथुरा के धार्मिक स्थल भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।